जी बिस्मिल रहीम अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह के आपको मालूम है कि एक नया मौजू ले के हम हाज़िर खिदमत हुए हैं। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि अब हम निकाह के अहकाम बताएँगे, निकाह के इसके बाद इस तरह निकाह के तफसीली अहकाम, मुबाशरत के अहकाम, इसी तरह इसके बाद तलाक़ के अहकाम इंशाअल्लाह तफसीली हम बताएँगे। मोमिनीन से गुजारिश भी की थी कि हर मौजू के साथ उसके सवालात आप कमेंट्स करेंगे, यूट्यूब पर हम उसके जवाब भी देंगे। यूट्यूब पर आसानी इसलिए रहती है कि यहाँ प्ले लिस्ट यानी ग्रुप यानी फोल्डर, आसान अल्फाज में कि एक मौजू और उसके अंदर आपको आसानी से उस चैनल पे वीडियोस आसानी से उसी मौजू में जो हमने बनाई होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। हमारा चैनल है शिया टाक सजादारी। जो मोमिनीन मरबूत नहीं है और उनको ये वीडियोस मिलती हैं तो वो ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर मौजू के साथ उसकी वीडियोस एक जगह पे मिल जाएं। और हर मौजू पे हमने अलहदा से प्लेलिस्ट बनाई हुई है नमाज़ तहारत वगैरह इन चीज़ों पर। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि कौन सा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना चाहिए, शरीयत में क्या हुक्म है कि आपका लाइफ पार्टनर, आपका शौहर, आपकी बीवी यानी मर्द के लिए औरत के लिए उसका जौज, उसका लाइफ पार्टनर कौन होना चाहिए। आज हम जिक्र करेंगे कि निकाह किसके साथ किस तरह और किस सूरत में होता है। पहला यह है कि अय्याम सेलेक्ट करने चाहिए। जब आप शादी कर रहे हैं तो आप अय्याम सेलेक्ट करेंगे कि किन दिनों में करना चाहिए, खुशी के दिन हों, मुसीबत के दिन ना हों, मसलन के अहले बैत की शहादत के दिन ना हों उन दिनों में नहीं करना चाहिए, खुशी के दिनों में करना चाहिए, और अकरब के अय्याम ना हों। महीने में ख़ास अय्याम होते हैं जो अकरब के होते हैं, उनमें भी मकरूह है निकाह करना। कमर दर अकरब में निकाह मकरूह है, ख़ुद भी पढ़ा जा सकता है, वकील के ज़रिए भी निकाह पढ़वाया जा सकता है। ज़्यादातर मशहूर और अमूमी यही है कि निकाह पढ़ने वाला निकाह खान होता है, ख़ुद इंसान कम ही पढ़ता है अपना निकाह, तो ख़ुद भी पढ़ा जा सकता है, उसके सीगे अलग हैं, वकील के ज़रिए पढ़वाया जा सकता है, उसके सीगे अलग हैं। मुस्तहब ये है कि गवाह हूँ, गवाह तलाक में होना ज़रूरी है, निकाह में होना ज़रूरी नहीं है। मुस्तहब है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है बाज़ मोमिनीन का, इसलिए वो काफ़ी सवालात भी करते हैं कि निकाह में ये शर्त क्यों नहीं है। शरीयत का हुक्म है मुस्तहब ये है, क्योंकि निकाह में जब लड़की के वालिद की इजाज़त ज़रूरी है, लड़की का वालिद राज़ी है, इजाज़त दे चुका है, तो उसके बाद वो मज़ीद गवाहों की ज़रूरत नहीं रहती। निकाह में हम मुत की वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं, उसमें भी काफ़ी लोगों ने सवालात किए थे कि शरायत में जो है ना आपने कहा है कि गवाहों की ज़रूरत नहीं है, गवाहों की ज़रूरत ना निकाह मुता में है ना निकाह दायमी में है। मुस्तहब ये है कि निकाह में गवाहों वाजिब नहीं है, क्योंकि जब आप फिर एक इश्काल अहले तशय्यो के अलावा लोगों ने किया था कि ये तो एक जिना की किस्म हो गई, जिना की किस्म किस तरह है। मुत्तक उनवान पे हम तफसीली वीडियो बना चुके हैं, यहाँ बस एक जिक्र करते चलें कि वालिद की इजाज़त ज़रूरी होती है निकाह में, चाहे वो मुता हो या दायमी हो। अगर वो पहले से तलाक याफ्ता थी या उसका शौहर फौत हो चुका था तो उस सूरत में वो चाहे वो दायमी करे या मुता करे, उसको किसी सूरत में भी वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से शादीशुदा नहीं थी तो फिर वालिद की इजाज़त की ज़रूरत है, तो किसी भी सूरत में मुता जो है उसको जिना नहीं करार दे सकते। कुरान का हुक्म है, आयत है, इसी तरह रिवायात अहादीस मौजूद हैं। मुता की नफ़ी करने वाले कुरान की नफ़ी करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मुता होना चाहिए और निकाह दायमी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हलाल मोहम्मदी मौजूद है, उसको ये कहना कि ख़त्म हो चुका है, शरीयत मोहम्मदी में जो मौजूद है उसको हम अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर सकते। गवाह नहीं है निकाह में, लेकिन मुस्तहब ये है कि गवाह होने चाहिए, लोगों को बुलाया जाए। जब अक्द हो रहा हो दो मोमिनीन का, एक मोमिन मोमना का जब निकाह हो रहा हो, तो उस सूरत में मोमिनीन को बुलाया जाए, लोगों को बुलाया जाए। मुस्तहब ये है कि उसके गवाह भी हों। और खुतबा हो, खुतबे में क्या हो, खुदा की वहदानियत, आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम ये पढ़ा जाए, और उसके बाद अक्द निकाह पढ़ा जाए जो उसके सीगे हैं ख़ास। रात को ज़ुफाफ हो, यानी कि जो शादी हो वो रात को होनी चाहिए, मुस्तहब है। और वलीमा भी किया जाए, चाहे वो शादी से रुख्सती से पहले, ज़ुफाफ से पहले किया जाए या बाद में किया जाए, अमूमी तौर पे बाद में किया जाता है, पहले भी कर सकते हैं, वलीमा भी मुस्तहब है, करना चाहिए। इजाब व कबूल ज़रूरी है। इजाब व कबूल से मुराद ये है कि शौहर कहे कि मैं ये, अब अरबी सीखे हूँ, कि मैं इस महर मालूम यानी ये जो मैं हक महर दे रहा हूँ इसके बदले में मैं निकाह कर रहा हूँ, और खातून कहे कि मुझे कबूल है। इसी तरह खातून कहे कि मैं इस महर मालूम के एवज़ में ख़ुद को निकाह में देती हूँ, और मर्द कहे कबूल है, तो ये निकाह हो जाता है।
اشارہ یا کتابت کافی نہیں ہے. ایک شخص اشارے سے کہے کہ میری شادی ہو گئی ہے اور اس نے خطبہ نہیں پڑھا, نکاح کا عقد نہیں ہوا, تو وہ کافی نہیں ہے. اسی طرح لکھ کے کہہ دیا کہ یہ میرا عقد نامہ ہے یا طلاق نامہ ہے, وہ بھی کافی نہیں ہے. اسی طرح احتیاط لزومی ہے کہ یہ عربی میں ہوں, سیگے جو عرب, یہ سیگے پڑھے جائیں, نکاح کے عربی میں پڑھے جائیں, غیر عربی میں چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا متاح ہو, ان کے سیگے عربی میں پڑھے جائیں. اگر عربی میں بالکل ممکن نہیں ہے, آپ نہیں جانتے عربی, نہیں سیکھ سکتے, تو اس صورت میں آپ پھر دوسری زبان میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. احتیاط لزومی یہ ہے کہ یہ عربی میں ہونے چاہیے اس کے نکاح کے اور متا کے, چاہے جو بھی عقد ہو, دائمی ہو یا منقطع, عربی میں ہونے چاہیے سیگے. سیگا کیا ہے؟ عورت کہے مثلا, عربی میں اب سیگا پڑھنے جا رہا ہوں, چاہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی, یعنی متا ہو یا دائمی نکاح ہو, اگر خود پڑھ رہے ہیں میاں بیوی, اگر وکیل پڑھ رہا ہے تو اس کے الگ سیگے ہیں, وہ خود پڑھتا ہے, جانتا ہے, اس کو بہتر ہے خطبہ اور تمام چیزیں, وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے, اور باقی توزیع المسائل یا دیگر شرعی کتابوں میں یہ سیگے لکھے ہوئے ہیں. اگر میاں بیوی خود پڑھ رہے ہیں, یعنی لڑکا لڑکی جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں, اگر وہ خود سیگا پڑھتے ہیں, تو اس صورت میں عورت کہتی ہے کہ مہر طے کر لیں گے. اگر دائمی عقد ہے, حق مہر طے کر لیں گے. اگر متا ہے تو اس میں حق مہر اور وقت محدود کر لیں گے, طے کر لیں گے, اس کے بعد یہ سیگا پڑھیں گے. عورت کہے گی انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم, انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم. اس کے بدلے میں مرد کہے گا قبلت التزویج, قبلت التزویج. اسی طرح مرد دہرائے گا اور عورت جواب دے گی, اور یہ نکاح ہو جائے گا. مین پوائنٹ اس میں تھا کہ گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور جو والدین اجازت, والد یا دادا اجازت دے دیتے ہیں, وہ لڑکی عقد کر سکتی ہے, اور اس کے لیے اس کو مزید کسی اجازت کی یا گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی. اگر وہ طلاق یافتہ یا بیوہ تھی تو وہ اپنی مرضی سے بھی نکاح کر سکتی ہے, اور اس کو کوئی روکنے والا شرعاً اس کو نہیں روک سکتا. یہ تھے احکام نکاح کے. آگے انشاءاللہ ہم تفصیلی بتائیں گے کہ نکاح ہو جاتا ہے, عقد ہو جاتا ہے, لیلۃ الزفاف یعنی کہ شادی کی رات کے احکام, مستحبات, آداب, آداب مباشرت انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. مومنین سے ملتمس ہیں, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. والحمدللہ رب